हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे ढोकले की रेसिपी। उसके लिए लगने वाली सामग्री देखेंगे। एक कप बेसन और आधा ज़्यादा कप बेसन लेंगे, 3 चम्मच सूजी, 1 चम्मच तेल, अदरक लहसुन पेस्ट, मिर्ची पेस्ट और स्वाद के लिए नमक। उसके बाद हम सूजी बेसन और तेल मिक्स कर लेंगे। उसमें 1 चम्मच मिर्ची की पेस्ट डालेंगे। अदरक और लहसुन की पेस्ट डालेंगे और स्वाद के लिए नमक डालेंगे। और आधा चम्मच हल्दी डालेंगे। और स्वाद के लिए थोड़ा शक्कर डालेंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी लेकर वो मिश्रण मिक्स कर लेंगे। उसमें 1 नींबू का रस डालेंगे। इतनी पेस्ट करके ले लिए है यह। अब हम 1-2 घंटे के लिए रख देंगे। आफ्टर 3 आवर्स के बाद देखिए उसमें हम अभी इनो डालेंगे और अच्छी तरह फेटेंगे। मिश्रण अभी रेडी हो गया है आपका। अभी एक बंद पतीली में 2 ग्लास पानी डालेंगे, उसमें जारे रखेंगे। पानी गर्म करने के लिए रख दिए। जो मिश्रण रेडी हुआ वो एक डिब्बे में तेल लगाकर उसमें डाल दिया और वाफने के लिए रख दिया। अभी हम 20 मिनट रखेंगे, उसके ऊपर आप भी छक्कन डालेंगे। तब तक हम तड़का की तैयारी करते हैं। तेल डाला, उसमें राई डाली, उसके बाद 3-4 मिर्ची कट करके डाली। स्वाद के लिए नमक और स्वाद के लिए शक्कर डालेंगे। अभी हम पतीले नीचे लेकर हमें उसमें पानी डालना है और वापस गैस पर चढ़ाना है। अच्छी तरह उबाल आनी चाहिए। देखिए बीस मिनट के बाद हमारा ढोकला तैयार है। ठंड होने के बाद हमने ढोकला काटने के लिए लिया। अब देख सकते हैं हमारा ढोकला कैसा
तैयार हुआ है। थोड़ा ठंडा होने के बाद हमने उसके पीस काट कर ले ली। देख सकते हैं ढोकला कैसा सॉफ्ट हुआ है, काटते समय भी वो नीचे दब रहा है। अब यह ढोकला काटकर तो हो गया, उसके ऊपर हमने जो तड़का बनाया है वो पानी सभी डालेंगे। और जो पानी डालने के बाद 10-15 मिनट थोड़ा देर रखेंगे और बाद में ढोकला खाएंगे। आपको हमारा ढोकला रेसिपी कैसी लगी तो कमेंट करके कहना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।